नमस्कार दोस्तों, मेरे बर्थडे पर बहुत सारे लोगों के शुभकामनाएं आई, लेकिन एक मुझे उम्मीद नहीं थी कि पीएम साहब से भी आ जाएगी। नहीं नहीं, पीएम साहब खुद नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज़ को एक इंसान के शरीर में डाल दिया और अब वो शरीर और उनकी आवाज़ दोनों एक साथ मिलकर मेरे सामने आए हैं। दार सिंह बरेडिया दे रहा है शुभकामनाएं। मित्र, मेरे देशवासियों, मेरे भाई और बहनों, आज मेरे परम मित्र जिन्होंने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में एक अलग अपना मकाम बनाया, कई फिल्मों में काम किया, कई देशों की यात्रा की और कई ऐसे शो किए जिसे दुनिया आज भी याद करती है, ऐसे एक महान हस्ती को मैं आज जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देने आया हूँ। एक अच्छे कॉमेडियन को जन्मदिन की शुभकामना देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, क्या शुभकामनाएं देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए। मैंने दे दी है। बहुत मेरे देशवासियों, बहुत इमोशनल है सर, आप बहुत इमोशनल। मेरे भाई और बहनों, ऐसा नहीं है, मैं कभी कभी हंस भी देता हूँ, लेकिन हंसी में भी कटाक्ष होता है। आज मैं सुनील पाल जी को, मेरे प्यारे मित्र को, मेरे दोस्त को ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। मैं चाहता हूँ आप भी दीजिए, मेरे भाई और बहनों, मेरे देशवासियों आप भी दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज से मैं बना रहा हूँ नियम कि हर साल प्रधानमंत्री नहीं आए, लेकिन आएंगे उनकी आवाज लेकर ये हमारे मित्र जूनियर पीएम। सुनील पाल भाई मेरे दोस्त हैं, एक अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हम लोग एक दूसरे को आप या तुम या इसलिए बुलाते हैं कि रिस्पेक्ट है, एक सम्मान है, एक उनका स्थान है। तो मेरा स्टाइल, मेरा स्टाइल बताओ। हम एक मित्र हैं और सुनील पाल जी के अंदाज में अगर किसी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते तो कैसे देते? सुनील पाल भाई, सुनील पाल, आज सुनील पाल जी का जन्मदिन है। अच्छा, उसको जल्दी देखे, ठीक है। अच्छा, आग लगा मेरी जान, उसको बोले खुश रहना, मेरी तरफ से गुलाब दे, मेरी तरफ बोल दे, ठीक है? मैं बाद में फोन करूंगा उसको, टाइम मिलेगा तो ठीक है, कल बात करें, ठीक है? अच्छा, आग ले जाओ।